चश्मा लाओ हमारा। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का ये नजारा है यहाँ पे, और यहाँ बन रहा है, देखो ये दूध लेके आए थे घर से आप, तो हम पहुँच गए हैं अस्पताल। तो अभी हम देखो लैब पहुँच चुके हैं और ये सैंपल टेस्ट अभी निकाला जाएगा। हे सो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। मेरी नई ब्लॉग में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों, हम आप लोगों को कल ही बताया था पिछली वीडियो में कि हम अपना एक CBC करवाने हरदोई जाना है, और एक CBC हमने पहले करवाया था जिसमें थोड़ा गलत दिक्कत हो गई थी, और आज मैं पुनः उसको यानी दोबारा मैं करवाने जा रहा हूँ CBC, और उसमें जो हमारे प्लेटलेट्स काउंट थे वो ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं टडियावां, और टडियावां का जो ये नहर है उस पर हम इस समय खड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और आपको पूरा दिखाएंगे कि आप देख पाएंगे कि उस रिपोर्ट में क्या निकलता है, और हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू रहिए। तो यहाँ का कुछ लोकेशन दिखा देते हैं। जो अंग्रेज़ों ने पुराने ज़माने में जो पुल बनवाए थे वो आज भी उतने ही मजबूत और टिकाऊ हैं। तो आप देख सकते हो, ये देखिए ये नहर है टडियावां की, और ये देखिए सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके से निकलने की, और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो पानी यहाँ से, और ये देखिए पुल बहुत पुराना यानी प्राचीन है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है और जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनवाया था, और आज भी इतने मजबूती से ये है, आप देख सकते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए और हम चलते हैं, और आप लोग बने रहिए, आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे ब्लड टेस्ट किया जाता है, और हो सकता है पूरा दिखाएंगे। तो छोटू हमारे साथ आ चुके हैं और हम यहाँ पर रुके थे तो हमने सोचा आप लोगों को दिखा दें। तो देखिए कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ का दिखता है, और खचा खच ये पूरी भरी चल रही इस समय। ये देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए और हम चलते हैं। छोटू और छोटू भी जा रहे हैं काफ़ी, ताकि हमें बाइक चलाने में कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से हम इनको लेके जा रहे हैं। और वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू रहिए, और मिलते हैं हरदोई पहुंचने के बाद। हरदोई डिस्ट्रिक्ट जो स्टेडियम है, और फिर कभी जब अंदर चलेंगे तो हम आपको इसका पूरा दिखाएंगे, अभी हरा कितना ही। और अभी हम हरदोई पहुंच चुके हैं और हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू रही है, और अभी हम CBC की जांच कराएंगे और ब्लड टेस्ट जो होता है और क्या उसमें निकलता है कुछ आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, और हम हरदोई इंटर कर चुके हैं अभी, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम पहुंच गए हैं हरदोई, और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और सीधे हॉस्पिटल पहुंचेंगे और वहां पर कराएंगे CBC। हमारे साथ बने रहिए और वीडियो में देखते रहिए। ये हरदोई का जो RR इंटर कॉलेज है, प्राचीन बिल्डिंग है, और आप जो प्राचीन मतलब बिल्डिंग है उसी को RR इंटर कॉलेज किया गया। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का कुछ नहीं बन रहा है। तो हम चलते हैं शिव शक्ति हॉस्पिटल, और वहाँ से जाने का ये रास्ता है इस तरीके से, ये हनुमान मंदिर पड़ोस में, और यहाँ से वो शिव शक्ति हॉस्पिटल आपको पूरा क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो हम इसी में कराएंगे CBC जाँच, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो हम पहुंच गए हैं अस्पताल।
तो अभी हम देखो लैब पहुंच चुके हैं और ये सैंपल टेस्ट अभी निकाला जाएगा। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और क्या होता है जी बता रहे यार, सैंपल निकाल रहे हैं। तो ये सैंपल हमने निकलवा लिया है और अभी टेस्ट होगा और फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि रिपोर्ट में क्या निकला था। तो वीडियो में बने रहिए और इंतजार करिए, कंटिन्यू रखते हैं। तो सैंपल हमने अभी निकलवा दिया है और अब हम चल रहे हैं घर सीधा। तो सैंपल अभी निकलवाया है, अब चलेंगे रूम पे और आधे घंटे बाद रिपोर्ट मिलेगी। और शिवशक्ति हॉस्पिटल के सामने हम खड़े हैं यहाँ पे और निकलवा दिया सैंपल, देखते हैं क्या आता है। उसमें प्लेट्स जो थे हमारे वो लगभग 9.44 लाख थे और इस बार री जो टेस्ट करवाए इसमें देखते हैं क्या निकलते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए, चलते हैं रूम पे। तो अभी हम यहाँ आ गए हैं सोल्जर रोड चौराहा और चल रहे हैं वहाँ पे जहाँ हमारा नया रूम अभी सेट किया है और वहीं पर चलेंगे और वीडियो में बने रहिए। ये सिनेमा चौराहा और ये सोल्जर बोर्ड चौराहा है और अब चलेंगे नुमाई चौराहा की तरफ। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और बहुत पुराना ये भी स्कूल है हरदोई का, आप देख सकते हैं होटल बसंत लाल। ये बसंत लाल लीला होटल ये है, पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये पुराना घंटाघर है, घंटाघर हरदोई आ चुके हैं हम, घंटाघर हरदोई आ चुके हैं और वहीं पर ये पेट्रोल पंप भी बना है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मैं चलता हूँ। ये स्कूटी और ये जीना, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके का लुक है और पतले पतले जीने ऊपर की ओर गए। तो ये है रूम, आहा। तो कुछ इस नज़ारा, ये नज़ारा आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रूम है और ये बाहर का बैकग्राउंड। हफ्फी आ गई दोस्तों। तो यहाँ से कुछ ऐसी लोकेशन दिखती है, हरदोई का नज़ारा भी आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। क्यों छोटू, देखिए पूरा इधर का व्यू आप देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ लोकेशन यहाँ से इस तरीके की दिखती है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और रिपोर्ट का इंतज़ार करिए क्या रिपोर्ट में निकला, और आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। ये है किचन और ये यहाँ पर जो पानी आ रहा है, बढ़िया बर्तन धोने वाला जो बेसर लगा होता है। और चाय देखो बन के तैयार हो रही है, रेडी हो रही है। नीचे सिलेंडर को शिफ्ट कर दिया गया है और अभी सालू ने नया रूम सेट किया है यहाँ पे। तो ये लोकेशन है, ऊपर ये कुछ टाटा टाइप का है और जिस पे ये डाल दिया गया, और ये फैन इधर भी लगा है, ये दरवाज़ा। तो ये आप देख सकते हो ऊपर बॉक्स को इधर सेट कर दिया गया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे छोटू, ये हमारे बाबा जी करौली वाले और ये मंदिर प्यारा सा भोले बाबा जी, और ये प्यारा सा यही वो आईना है जिसमें हम ऐसे ऐसे करके सेट किया करते थे। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है। तो हमारे साथ में दोस्तों बने रहिए वीडियो में और हम आप लोगों को ऐसे दिखाते रहेंगे। अरे चश्मा लाओ। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके का ये नज़ारा है यहाँ पे, और यहाँ बन रहा है देखो, ये दूध लेके आए थे घर से तो ये गर्म हो रहा है। और ये यहाँ पर किचन, और ये यहीं पर आप बर्तन धुल सकते हो, बहुत अच्छा पानी आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रूम कैसा है। और ये देखिए इधर खाना बनाने वाला जो सिस्टम नीचे सेट किया गया है। और हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। और मिलते हैं
आगे अभी और ब्लॉग रहेगी जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हमारी रिपोर्ट का जो रिजल्ट आना था उसका क्या रिजल्ट आया है। तो वीडियो को कंटिन्यू करें। देखो दोस्तों, ये रिपोर्ट नॉर्मल आया है, उस दिन का भी डाटा दिखा दे ताकि ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ये उस दिन जो प्लेट आया था वो 944 ही था। आपको जूम करके दिखा देते हैं ताकि आप ये ना समझें कि फर्जी दिखा रहे हैं। ये वाला आप देख सकते हैं डाटा, ये वाला, ये प्लेट्स का है। और आज डाटा जो आया है प्लेट्स का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.87 लैक्स। तो दोस्तों ये री करवाना था मुझको और मैंने करवा लिया। रिजल्ट दोस्तों पॉजिटिव आया है, मतलब कोई घबराने की बात नहीं, इतना प्लेट्स होना चाहिए। मैं आ चुका हूँ स्वास्तिक हॉस्पिटल। ये स्वास्तिक हॉस्पिटल है और ये लखनऊ जो रोड है, चुंगी रोड है, उस पर ये पड़ता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो मिलते हैं अभी। तो काम दोस्तों हो चुका है फाइनली और पूरी रिपोर्ट जो थी वो मुझे मिल चुकी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है क्योंकि आपने इतना कीमती समय हमें दिया। और दोस्तों रिपोर्टों में नॉर्मल रिपोर्टें निकली हैं, मैंने दोबारा करवाया। ये भोले बाबा और माँ की कृपा है, बाबा माँ की कृपा है, और जिन्होंने हमारी देखो दो दिन के अंदर प्लेटों को बिल्कुल कम करके 3.87 लाख ही कर दिया है, जबकि बढ़ करके हो गई थी 944,000 प्लेटें हो गई थी और काफ़ी दिक्कत भी आने लगी थी। तो दोस्तों हमने दोबारा प्रार्थना करके भोले बाबा की और माता जी की, और हमारी जो प्लेटें हैं वो कम हो गई। तो आज की वीडियो में दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और हमने पूरा प्रोसेस आपको दिखाया कि उसका सीबीसी रिपोर्ट फिर से करवाया। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही और मिलते हैं किसी जोरदार और धमाकेदार वीडियो में, यानी कल। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।